हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्पीसीज न्यूज़ है। इस वीडियो को स्टार्ट करें सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि 2019 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने एशियाटिक लाइन, डबल हम्प कैमल और वन हंड राइनोसोर के बारे में पूछा था। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं उनका पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेदरबग टर्टल के बारे में। ये नीति आयोग का एक उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, एक उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो उससे प्रोजेक्ट तो है ही है, लेकिन उससे होने वाला एक इशू ये खड़ा हो गया है कि ये जो आइलैंड है जहाँ पे एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट है, किसके लिए, लेदर जो मतलब ये टर्टल है लेदरबग टर्टल, उसके लिए। तो बाकी किसके फीचर में अगर देखें, ये लार्जेस्ट है ऑफ द सेवन स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इन ऑल ओशन एक्सेप्ट आर्टिक एंड अंटार्कटिका। ये तो पता ही होगा कि इतनी हार्श कंडीशन में वहाँ पे नहीं होगा ये। और इंडियन ओशन में ये कहाँ पे अपनी नेस्टिंग साइट है इसकी, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। देखिए इसके आगे ओनली है, अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है, सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ओनली लगाया है उन्होंने इन दो साइट के सामने, तो ये सही होगा ना कि गलत होगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया का है उसमें ये शेड्यूल वन एनिमल है। तो जो इसकी जो नेस्टिंग साइट है इंडिया में, जिसमें दो तो अंडमान आइलैंड में है और एक ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, और IUCN स्टेटस का वनरेबल है। दूसरी जो हम स्पीसीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में। ये जो अभी रिसेंटली क्लोन फेरेट है, इसका नाम है एलिजाबेथ एन। तो इसका पता होना चाहिए कि एलिजाबेथ एन क्या है, ब्लैक फुटेड फेरेट है। तो बेसिकली ये जो स्पीसी है इसके लिए कैप्टिविटी ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा था US में 1981 से, क्योंकि ये इसकी जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल डिक्लाइन पे चली गई थी। तो रिसेंटली इसको US के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लोन करके इसको एक नया जो स्पीसीज एंडेंजर्ड हो चुकी थी उसको फिर से रिवाइव कर दिया है। तो ये कहाँ का नेटिव है, नॉर्थन अमेरिका में, और इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। ओके, थर्ड स्पीसीज है रेड ईयर स्लाइडर। जैसे आप ये देख रहे हैं इसके लिए, इसलिए इसको रेड ईयर स्लाइडर कहा जाता है, ये जो इसका रेड मार्क है इसके लिए। ओके, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रेड ईयर स्लाइडर इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज है और ये थ्रेट है किसके लिए, केरला की वाटर बॉडीज़ के लिए। इसका कारण ये है कि ये ग्रो बड़ी जल्दी हो जाता है, और जो इसके मतलब जो इसके ग्रो होने के बाद जो इसके आसपास जो एक्वेटिक प्लांट हैं और बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज पोज कर देता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस कर देता है। अगर देखें तो ये वर्ल्ड वर्स्ट इन्वेजिव स्पीसीज है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मिसिसिपी रिवर और गल्फ ऑफ मेक्सिको से। ओके, तो जैसा हमने देखा कि ये केरला के वाटर बॉडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेजिव स्पीसीज है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और ये नेटिव कहाँ का है, साउथर्न US एंड नॉर्थन मैक्सिको का। ठीक है, थैंक यू।